Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy and my name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. और आज हम देखते हैं कैसे जावा में चेक करते हैं कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं है, है ना? हाउ टू चेक वेदर जावा सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल इन योर पीसी और नॉट, ठीक है ना? तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आप रन में जाइए और वहां पर CMD को पेस्ट करेंगे तो ये ऐसी ब्लैक विंडो आ जाएगी, ठीक है ना? उसमें आप लिखिए जावा. अगर वहां पर लिखा आता है जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल, अगर ऐसा लिखा आता है तो इसका मतलब यह है कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है, ठीक है ना? आपको जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी. जावा इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक वेबसाइट पर जाना है, जावा की वेबसाइट पर, वहां से जाकर इंस्टॉल करेंगे. मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे हम जावा की फाइल को डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना? जब जावा एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपको पाथ सेट करना होगा. तो पाथ कैसे सेट करते हैं मैं पहले ही आपको ये बता देता हूँ, ठीक है ना? एनवायरमेंट वेरिएबल पाथ होता है, उसको कैसे सेट करते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जाएंगे अपने सी ड्राइव में. सी ड्राइव में जाकर प्रोग्राम फाइल्स में जाकर देखेंगे. प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पर दो होती हैं, ठीक है ना? प्रोग्राम फाइल्स एंड प्रोग्राम फाइल्स x86, ठीक है ना? तो आप इन दोनों में जाकर देख लीजिए कि वहां पर कोई जावा का फोल्डर बना है कि नहीं बना है. ऐसे आपको जावा का फोल्डर वहां पर दिखाई देगा. जावा का फोल्डर अगर वहां पर है अवेलेबल तो आप उसको ओपन कीजिए. ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दो फोल्डर दिखाई देंगे, एक JDK और एक JRE, ठीक है ना? मैंने बताया था आपको JDK जो रहता है वो डेवलपमेंट किट होती है. तो JDK के ऊपर आप क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, तो ऐसे JDK फोल्डर के अंदर आप चले जाएंगे. वहां पर बहुत सारे फोल्डर्स आपको दिखाई देंगे, बिन, DB, इंक्लूड, JRE, LIB, ठीक है ना? तो बिन के ऊपर आप क्लिक कीजिए तो आप ऐसे यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स आपको मिल जाएगी. यहाँ पर किसी भी एक फाइल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए. राइट क्लिक करने के बाद एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा और वहां पर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कीजिए. प्रॉपर्टीज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जावा प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, ठीक है ना? और वहां पर ये ऐसे एक लोकेशन होगी जिसमें लिखा होगा C/ प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK, ऐसे एक पूरी की पूरी लोकेशन वहां पर अवेलेबल. आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना? और सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिए. कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना सिस्टम जो है आपका माई कंप्यूटर के ऊपर या दिस PC के ऊपर राइट क्लिक कीजिए. ऐसे आपको एक पैनल दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना? सिस्टम प्रॉपर्टीज दिखाई दे जाएगी, ठीक है ना? और उसमें होता है एडवांस सिस्टम सेटिंग. एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा सिस्टम प्रॉपर्टीज. सिस्टम प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एनवायरमेंट वेरिएबल. एनवायरमेंट वेरिएबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे एनवायरमेंट वेरिएबल दिख जाएगा. ऊपर यूजर वेरिएबल फॉर Lenovo लिखा है, ये मेरे सिस्टम का नाम है, आपके यहाँ पर आपके सिस्टम का नाम लिखा होगा. और नीचे होगा इन सिस्टम वेरिएबल्स. सिस्टम वेरिएबल्स में आपको क्या सर्च करना है, आपको पाथ सर्च करना है, ठीक है ना? जैसे ये पाथ, ठीक है ना? इसको सर्च कीजिए और यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है ना? इसके ऊपर क्लिक करना है एडिट के ऊपर. जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, जो आपने कॉपी किया हुआ पाथ है, ठीक है ना? न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी कॉपी किया था वहां पर पाथ, उस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है ना? ऐसे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा. और उसके बाद ओके प्रेस कीजिए एक बार, यहाँ से बाहर आ जाएंगे आप. दूसरी बार ओके एनवायरमेंट वेरिएबल्स में के लिए ओके कीजिए, मतलब सब जगह ओके ओके करके आप बाहर आ जाइए, ठीक है ना? चलिए, ठीक है, ये हो गया ऐसे. अब हम देखते हैं में, जब आप जावा सी लिखेंगे या जावा सी लिखेंगे तो आपको ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी. ये बेसिकली सेटिंग है, इससे आप आइडिया लग जाएगा कि अल्टीमेटली जावा सी यानी जावा कंपाइलर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं. CMD और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ जावा. एक्चुअली मेरे पास जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पर मुझे ये सेटिंग्स दिखाई दे जाएंगी, है ना? तो हमें क्या चेक करना था, हमें ऑनलाइन जावा कैसे डाउनलोड करनी है ये एक बार चेक करना है. तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे जावा डाउनलोड, ठीक है ना? java.com ओपन हो जाएगा, ठीक है ना? java.com में डाउनलोड फ्री जावा सॉफ्टवेयर, ठीक है ना? यहाँ पर इसको ओपन कर लीजिए
और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जावा ऑलरेडी दिखाई दे जाएगी। जावा डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। अग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और ये जावा सेटअप आपका यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जावा का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है ना। ये इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल आप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है ना। और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर कहाँ पर दिखाई देगा उसको देखते हैं। आप सी ड्राइव में जाएंगे और सी ड्राइव में जाने के बाद आपके पास प्रोग्राम फाइल्स आती है और वहाँ पर होगी जावा। तो यहाँ पर आपको ये दो फोल्डर दिखाई देते हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इनके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से आपको पाथ कॉपी करना है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जावा का जावा कंपाइलर, अगर आपको चेक करना है कि पाथ ऑलरेडी सेट है या नहीं है, तो मेरे सिस्टम में पाथ सेट है तो मेरे पास ये सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा एक और चीज़ बताता हूँ, जावा का वर्जन कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जावा और एक स्पेस लगाएंगे आप और वहाँ पर लिखेंगे वर्जन हाइफन एन वर्जन, तो आपको दिखाई दे जाएगा 1.8.098 ये वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अभी और भी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है, ठीक है ना, लेकिन हम जावा के एक लेटेस्ट वर्जन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जावा 13 भी अवेलेबल है, ठीक है ना, जब हम जावा 8 के ऊपर अभी अल्टीमेटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जावा सी के लिए पाथ कैसे सेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। किसी भी फाइल के ऊपर जैसे मैंने बताया था, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इस पाथ को कॉपी कर लीजिए, कॉपी, ठीक है ना। अब आपको दिस पीसी यहाँ पर दिख रहा है, दिस पीसी राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज विंडो ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। सिस्टम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा और एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर सर्च करेंगे पाथ, आपको पाथ दिखाई दे जाएगा। एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एंड में जाएंगे, यहाँ पर आप अपने पाथ को पेस्ट कर देंगे सेमी कॉलन लगाकर, ठीक है ना। सेमी कॉलन ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने पाथ पेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके ओके क्लिक कर देंगे। मैंने ऑलरेडी पाथ सेव किया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, एज इट इज ओके एंड अगेन ओके एंड अगेन ओके, ठीक है ना। यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे, जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है उसको क्लोज करेंगे, वापस से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और इस बार लिखेंगे जावा सी, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है तब आपको नहीं दिखाएगा, आपको क्लोज करके वापस से ओपन करना पड़ेगा, अब ये आपको दिखाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसे हम अपना पाथ सेट करते हैं, ठीक है ना। और इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, आप ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार वापस से वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके सिस्टम में जो है जावा को आप एक बार एनवायरनमेंट वेरिएबल को पूरे सिस्टम को सेट कर लीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट लेसन में प्रैक्टिकल कर सकें, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।